हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान और आज हम बात करेंगे मिशन सूर्ययान के बारे में। जी हां, चंद्रयान को सक्सेसफुली लॉन्च हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और इसरो ने एक और बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया है, मिशन सूर्ययान। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मिशन सूर्ययान क्या है, आदित्य L1 क्या है, सूरज के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, आदित्य L1 कहां लैंड करेगा और कैसे इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, और आदित्य L1 के अंदर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें भेजेगा। तो आज इस वीडियो में पूरी आदित्य L1 से जुड़ी और मिशन सूर्ययान से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मिशन सूर्ययान की सूर्य को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को यहां पर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये जो चंद्रयान मिशन था इस तरीके से सूरज पर लैंड नहीं करेगा। ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लग्राज पॉइंट पर स्थित होगा और वहां पर घूमेगा और सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब लग्राज पॉइंट पर पहुंचने के लिए आदित्य L1 को 4 महीने का समय लगेगा और 5 साल तक वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये लग्राज पॉइंट होता क्या? तो लग्राज पॉइंट पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस आउट करने वाली पोजीशन होती है और सूरज और पृथ्वी के बीच में 5 लग्राज पॉइंट है। इनमें से L1 और L2 पृथ्वी के सबसे करीब है। अब आपको बता दूं कि यहां पर लॉन्च करने का क्या फायदा होता है। तो इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो L1 पोजीशन है वहां पर जब ऑब्जेक्ट लॉन्च होगा तो वो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, यानी कि फ्यूल ज्यादा से ज्यादा बचेगा और कोई लंबा मिशन अगर एग्जीक्यूट करना हो तो उसे ये पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इस पॉइंट से कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, यानी कि जो सूरज है उसका शेडो और पृथ्वी का शेडो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, जिससे कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन आसानी से हो पाता है। तो लग्राज पॉइंट पे यह बेनिफिट होता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, फ्यूल भी बचता है, लंबा मिशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वो L2 पोजिशन पर है और हमारा जो आदित्य है वो L1 पोजिशन पर। अब सूरज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सूरज का डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और सूरज के अंदर 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है। अब सूरज का जो कोर लेयर होता है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जिससे सनलाइट और हीट पैदा होती है जो हम यहां पृथ्वी पर भी महसूस कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सन के अलग अलग लेयर और एटमॉस्फेयर और उसके डिग्री सेल्सियस तापमान के बारे में। तो सबसे डीपली होता है जो कोर, जिसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके ऊपर एक लेयर आता है जिसे रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है, जो कि सन का 70% रेडियस कवर करता है। इसके ऊपर आता है कन्वेक्टिव जोन, जो कि सन का 30% रेडियस कवर करता है। इसके बाद सन का जैसे एक सरफेस कहा जाता है, हालांकि सन का कोई सरफेस नहीं होता है, लेकिन इसे फोस्फियर कहा जाता है, जो कि थोड़ा ठंडा होता है और इसका टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसे इस जो फोस्फियर है इसे सूरज की लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ऊपर आता है क्रोमोस्फीयर लेयर आता है, यहां पर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होता है और यहां का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से लेके 20000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इस लेयर क्रोमोस्फीयर में होता है। इसके ऊपर ट्रांजिशन रिजाइन लेयर आता है और इसके बाद सबसे एक आउटर और लास्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है, और यहां पर कोरोना में गैस और प्लाज्मा होते हैं जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन के बीच डिग्री सेल्सियस होता है।
अब सूरज के अलग अलग लेयर और आदित्य L1 मिशन का क्या संबंध है, तो इसके बारे में बात करें तो आदित्य L1 जो सूरज के ऊपरी तीन लेयर है जो कि फोस्फियर लेयर, क्रोमोस्फियर लेयर और कोरोना लेयर की स्टडी करेगा और सारी इंफॉर्मेशन हमें इसरो को भेजेगा। अब सूरज के अंदर से तो बहुत सारी रेज निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, रेज निकलते हैं, इंफ्रारेड निकलते हैं, विजिबल रेज होते हैं वो निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, एक्स रेज निकलते हैं, गामा रेज निकलते हैं, तो ये सारे रेज निकलते हैं। लेकिन जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फियर है वो काफी रेज को तो रोक ही देता है और हमारे तक नहीं पहुंचने देता है, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत अच्छी ही बात है। लेकिन अगर जो सूरज में से, सन में से जो रेज निकलती है अगर उसे स्टडी करना है तो यहां पर जो लैग्रांज पॉइंट है वहां पर जाना पड़ेगा, इसीलिए आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट L1 पर स्थित किया गया है। अब हम बात करते हैं आदित्य L1 के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा, इसके बारे में बात करें। आदित्य L1 के बारे में बात करें जो कि 7 प्रकार के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आदित्य L1 के अंदर किए गए हैं और इसमें सबसे पहला है कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसे वेल्क कहा जाता है, जो कि कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोना मास्क इंजेक्शन ऑब्जर्व करेगा। दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जिसे सूट कहा जाता है, जो कि सूरज की फोस्फियर लेयर और क्रोमोस्फियर लेयर की स्टडी करेगा और उसे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में भेजेगा। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे सोलेक्स कहा जाता है, और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हिलियोस कहा जाता है। इन दोनों का इंस्ट्रूमेंट का ये काम है कि सूरज में से जो एक्सरेज जो निकलती है उनको स्टडी करके इंफॉर्मेशन सेंड करने का होता है। पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पेक्स, और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसे PAP यानी पापा कहा जाता है, जो कि सोलर विंड को स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन भेजेगा। और सातवां है मैग्नेटोमीटर यानी MAG है, जो मैग्नेटिक फील्ड L1 के आसपास पोजीशन होगी उसको मेजर करेगा और इंफॉर्मेशन भेजेगा। ये 7 इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से 4 जो है सूरज के डायरेक्ट स्टडी करेंगे, सूरज को डायरेक्ट स्टडी करेंगे, और बाकी के जो 3 इंस्ट्रूमेंट है वो L1 को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मिशन सूर्ययान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आखिर मिशन सूर्ययान क्या है, कब सूर्ययान का जो आदित्य L1 है वो कब पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, वो सूरज की इंफॉर्मेशन कैसे लेगा, कैसे हम तक पहुंचाएगा, आदित्य L1 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है और कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और किस तरीके से हमें भेजेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें।